जनता चाहे तो कोई भी झंडा लहरा सकती है, और अगर जनता की हट जाए तो उसी झंडे का डंडा घुसेर सकती है। इधर इज्जत से आने का और इज्जत से जाने का। मैं हूँ राम, तब है तो छू के दिखा। मान लो भीम, मल्ली नहीं बचेगी, वरना अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए। बाबा मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चूकोगे नहीं। शूट। जनता चाहे तो कोई भी झंडा लहरा सकती है। शूट। तो अब ये गडरिया तीर चलाएगा हम पे। ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। इस लड़की के खातिर पर्वत जंगल शहर बिहड़ नदी खाई वो हर जगह ढूंढ कर रहेगा, और चाहे वो मेमना शेर के मुंह में ही क्यों ना हुआ, जरूरत पड़ी तो उस शेर का जबड़ा तोड़कर भी उस मेमने को बचा कर रहेगा। सुनने में आया है कि अब ये शिकार करने दिल्ली पहुंच चुका है। 2022 में आई एक जबरदस्त फिल्म RRR, जिसकी रेटिंग आज भी 7.8 है, तो जरा सोचो उस फिल्म के ग्राफिक्स, लोकेशन, डायलॉग और फिल्म की कहानी कैसी रही होगी। इस फिल्म में स्टार कास्टिंग भी जबरदस्त थी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी लाजवाब था। इस फिल्म को मैं बाहुबली की टक्कर की फिल्म मानता हूँ। RRR जैसी फिल्में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, जो कि एक ही बार में चारों ओर तहलका मचा देती हैं। इसी वजह से दर्शकों को आज भी इस फिल्म के अगले भाग का बेसब्री से इंतजार है। राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म दोबारा कब देखने को मिलेगी, इसके बारे में अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कुछ समय पहले इसके दूसरे भाग को लाने की अनाउंसमेंट की गई थी। इसके पहले भाग में हमें अजय देवगन, आलिया भट्ट, रामचरण और जूनियर NTR जैसे कलाकार नजर आए थे। वैसे आपको इस फिल्म में क्या खास लगा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें इस फिल्म की पहली कहानी की, तो फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गाँव से होती है और यह समय आज से 60-70 साल पुराना है, जिसमे एक छोटी बच्ची जिसका नाम मल्ली होता है, वो एक टैटू डिजाइन की आर्टिस्ट है, और मल्ली इसी कला को जनरल स्कॉट की बीवी के हाथों पर उकेर देती है, और ये मैडम इस कला से इतनी प्रभावित हो जाती है कि उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है, और जब उसकी माँ उसे रोकती है तो ये लोग उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, जिसमें आज के दिन लाला लाजपत राय के पकड़े जाने की वजह से गांव के लोग प्रदर्शन कर देते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इनका सामना करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। फिर भीड़ में से एक आदमी इन अंग्रेजों के ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है, और फिर यहीं पर एंट्री होती है रामचरण यानी राम जी की, जो कि अपनी जान पर खेल उस पत्थर मारने वाले को इन अंग्रेजों के सामने पटक देता है। इसके बाद जब प्रमोशन का समय आता है तो राम बड़ा ही खुश था, क्योंकि वो अपने प्रमोशन की आस लगाए बैठा था, पर उसे तो कोई पूछता भी नहीं, जिससे राम को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है वैकेंट अवधानी की, जो कि निजाम में एक स्पेशल सलाहकार भी है, और आज अवधानी उसी बच्ची के सिलसिले में बात करने के लिए आता है कि उस बच्ची को आप वापस कर दीजिए, क्योंकि वो बच्ची किसी साधारण लोगों की नहीं है, बल्कि वो गोंडों की बच्ची है जिनका एक सरदार भी होता है, जो कि दिलो जान से इनकी हिफाजत करता है, और वो सरदार अब दिल्ली पहुँच चुका है। लेकिन एडवर्ड उस सरदार को मामूली सा गुंडा समझकर उस बच्ची को भेजने से मना कर देता है। अब दूसरी तरफ उसी सरदार यानी भीम को दिखाया जाता है, जिसे मल्ली को ढूंढते हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, तो इस वजह से भीम मल्ली को ढूंढने के लिए शहर में आ जाता है, और यहाँ पर भीम को कोई पहचान न ले इसलिए वो अपना नाम अख्तर रख लेता है और भेष बदल कर रहने लगता है, और यहाँ पर उसे मार भी खानी पड़े तब भी वो अपने आप को जाहिर नहीं करता है। अब इन अंग्रेजों को पता था कि उस बच्ची को बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, इसलिए ये अंग्रेज लोग एक मीटिंग को करते हैं, जिसमें एडवर्ड कहता है कि वो काफी ताकतवर है और चालाक भी, इसलिए उसे कोई पकड़ नहीं सकता। फिर यहाँ पर स्कॉट की बीवी एक ऑफर देती है कि जो भी उसे जिंदा या फिर मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा, जिसके लिए राम भी तैयार हो जाता है। इस वजह से राम भी अपना भेष बदलकर गांव में घूमने लगता है और अंग्रेजों के विरोधियों के बीच में चला जाता है। यहीं पर भीम का एक दोस्त राम की बातों से प्रभावित हो जाता है, जो कि राम को भीम से मिलवाना चाहता था, मगर रास्ते में एक पुलिस वाला राम को सलाम कर देता है तो वो जान जाता है कि राम तो पुलिस वाला है, इसलिए वो उसके चंगुल से निकलकर भाग जाता है। अब भीम एक बच्चे को नदी से मछली निकालने के लिए पैसे देता है, और इस नदी के ऊपर ट्रेन का एक पुल भी था, लेकिन आज इस ट्रेन में आग लग जाती है, जिससे कि ट्रेन के डिब्बे अलग अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जान भी खतरे में पड़ जाती है, और इस बच्चे को भीम और राम दोनों देख लेते हैं। अब क्योंकि राम ने
कभी भी भीम यानी अख्तर को नहीं देखा था, तो इसलिए राम यहाँ पर भीम को नहीं पहचान पाता है और ये दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं और यहीं से भीम यानी अख्तर और राम की बढ़िया दोस्ती हो जाती है। पर राम तो अभी भी अख्तर को ही ढूंढ रहा था और अख्तर मल्ली को ढूंढ रहा था, क्योंकि मल्ली के बिना उसका परिवार बहुत ही दुखी था। यहाँ पर एक चीज और थी कि अख्तर को भी नहीं पता था कि राम एक पुलिस वाला है। इसके बाद एक दिन अख्तर की मुलाकात जैनी से होती है जो कि साफ दिल की औरत थी। अब गाड़ी पंचर होने की वजह से अख्तर जैनी की मदद कर देता है, तो यहीं पर अख्तर को जैनी के द्वारा पता चलता है कि मल्ली तो जैनी के ही घर में है। इसलिए अब अख्तर कैसे भी करके जैनी के घर में जाना चाहता था, मगर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। अब क्योंकि जैनी अख्तर को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो पार्टी में अख्तर को भी इनवाइट करती है, जिसके बाद जैनी खुद उसे अपने घर में ले जाती है और यहीं पर अख्तर मल्ली को ढूंढ लेता है। तो अख्तर उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि राम ने अख्तर के दोस्त को पकड़ लिया है और ये आदमी वही है जो कि शुरू में राम के हाथों से बचकर भाग गया था। पर आज राम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, पर फिर भी वो आदमी भीम के बारे में राम को कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर हमें राम के असली मकसद के बारे में बताया जाता है, जिसमें एंट्री होती है आलिया भट्ट यानी सीता की। राम गोदावरी नदी के पास के एक छोटे से गांव से आया था और राम ने सीता से यह वादा किया था कि वो गांव के हर आदमी को लड़ने के लिए हथियार देगा, यानी वो उन सबको बंदूकें देगा ताकि वो अंग्रेजों का सामना कर सकें। और इसी वजह से राम पुलिस में भर्ती हुआ था और इसी वजह से राम अख्तर यानी भीम को पकड़वाना चाहता था, जिससे कि राम स्पेशल ऑफिसर बन सके, क्योंकि स्पेशल ऑफिसरों के हाथों में ही हथियारों की बागडोर हुआ करती थी। अब राम फिर उसी आदमी से अख्तर के बारे में पूछने के लिए आता है, लेकिन आज उस आदमी ने अपने हाथ में एक जहरीले सांप को पकड़ रखा था, जिसे वो राम के ऊपर फेंक देता है और राम को काट लेता है। इसलिए अब राम के पास जिंदा रहने का केवल एक ही घंटा बचा था। तो अब राम सोचता है कि कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर इस बंदे को पकड़कर भी क्या फायदा, इसलिए राम उसे छोड़ देता है। लेकिन उसी समय अख्तर भी वहां से निकल रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि राम को तो सांप ने काट लिया है। अब क्योंकि अख्तर तो जंगल में ही रहा करता था, तो उसे इसका इलाज भी पता था, इसलिए अब अख्तर उसे ठीक करने में लग जाता है और साथ ही उसे अपना प्लान भी बता देता है और कहता है कि मैं अख्तर नहीं बल्कि भीम हूँ। यानी इतने समय से राम जो पागलों की तरह जिसे ढूंढ रहा था वो तो उसके आसपास ही था। अब राम तो उसे वहीं पर पकड़ने के लिए तैयार था, मगर जहर की वजह से राम उठने की हालत में भी नहीं था। अब भीम पहुंच जाता है मल्ली को लेने के लिए अंग्रेजों के घर में, लेकिन आज भीम अकेला नहीं था बल्कि वो जानवरों से भरा एक ट्रक लेकर अंदर घुसा था और पर वो सभी जानवरों को खुला छोड़ देता है। इन जानवरों में शेर, चीता, बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी थे, जिससे कि सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है। लेकिन उसी समय राम भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि भीम को गिरफ्तार करना चाहता था। लेकिन भीम उसे वर्दी में देखकर चौंक जाता है, क्योंकि भीम को भी आज तक ये पता नहीं था कि वो पुलिस वाला है। अब पहले तो भीम उसे आराम से समझाता है कि मैं केवल उस बच्ची को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जब राम उसकी बात को नहीं मानता तो दोनों में जंग शुरू हो जाती है। और इसी बीच स्कॉट वहाँ पर आ जाता है, जो कि मल्ली के ऊपर बंदूक को तान देता है और इसलिए ना चाहते हुए भी भीम को इन लोगों के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है। अब घोषणा के मुताबिक राम को स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है, जिससे कि उसे हथियारों का गोदाम संभालने को दे दिया जाता है और यहीं से पूरे देश में हथियार सप्लाई होते थे। और इसके बाद यहाँ पर राम अपने पिता के बारे में सोचता है, जिसमें एंट्री होती है इस फिल्म के मुख्य तीसरे कलाकार यानी अजय देवगन की, जिनका इस फिल्म में नाम है वेंकटा रामा। ये समय था करीब 1930 का, जब स्कॉट किसी गांव में कर वसूलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ के सरपंच ने उसे ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। अब स्कॉट किसी मजदूर आदमी पर गोली चलाना बेकार समझता था, इस वजह से स्कॉट ने उसे गोली से न मारकर हथौड़े से मार मार कर उसे जान से मरवा दिया। और इसी बात को वेंकटा रामा सहन नहीं कर पाता और पुलिस की नौकरी को छोड़ देता है और वहाँ से कुछ बंदूकें और गोलियां चुराकर भाग जाता है और अपने गांव के आसपास के लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। वेंकटा रामा का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। बंदूकें ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए ये लोग लकड़ी की बंदूकों से ही अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। वेंकटा रामा का मानना था कि अगर जंग लड़नी हो तो जंग के लिए हथियार भी होने चाहिए। और यहीं पर हमें छोटे राम और छोटी सीता भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के बारे में अंग्रेजों को यहाँ पर पता चल जाता है, जिससे कि अंग्रेज लोग यहाँ पर हमला कर देते हैं। लेकिन बंदूक तो केवल एक ही थी, इसलिए वेंकटा रामा अकेले ही अंग्रेजों को मार देता है। लेकिन अब वेंकटा रामा के पास आखिरी गोली बची थी और वेंकटा रामा घायल भी हो गया था। इस वजह से वेंकटा रामा अपने बेटे राम से कहता है कि जब मैं शूट करने को कहूं तो तू गोली चला देना। और अब वेंकटा रामा अंग्रेजों के सामने आ जाता है, तो उसी समय वेंकटा रामा राम को शूट करने के लिए कहता है और यहाँ पर मजबूरन राम गोली चला देता है, क्योंकि वेंकटा रामा की पीठ पर बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए थे। तो यहाँ पर वेंकटा रामा अपने साथ उन सभी अंग्रेजों को लेकर मर जाता है, जिससे कि ये पूरा गांव बच जाता है। वेंकटा रामा ने अपने बेटे राम को समझाया था कि एक बंदूक इतने अंग्रेजों पर भारी पड़ सकती है, तो जरा सोचो अगर हर हाथ में बंदूक होगी तो इन्हें हम चुटकी में ही यहाँ से खदेड़ सकते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम हर आदमी के हाथ में हथियार दोगे। और इसी वजह से राम ने
भीम को अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था। अब ये फिल्म प्रेजेंट में आती है तो अगले ही दिन भीम को भीड़ के सामने चाबुक से पीटा जाता है, लेकिन फिर भी भीम अपने घुटने नहीं टेकता, तो इस वजह से भीम को जानवरों से भी बदतर सजा दी जाती है, जिससे कि भीम लहूलुहान हो जाता है और भीम का खून भीड़ के पैरों तले जाने लगता है, जिससे कि यहाँ की भीड़ पागल सी हो जाती है। मानो आज ये भीड़ इन अंग्रेजों को आज ही यहाँ से खत्म कर देगी। भीड़ के इस जुनून को देखते हुए राम कहता है कि जो क्रांति में बंदूकों के जोर पर लाना चाहता था वो भीम की एक आवाज ने ला दी। भीम ने तो हर आदमी को ही हथियार बना दिया, इसलिए अब राम मल्ली और भीम दोनों को ही छुड़वाना चाहता था। इसके लिए राम स्कॉट से कहता है कि भीम को कैसे भी सजा देने पर वो हार नहीं मानता, इसलिए हमें उसकी हिम्मत तोड़नी होगी और इसके लिए हमें इसे मल्ली के सामने मारना होगा। इसके लिए स्कॉट कहता है कि ठीक है, अपने सैनिकों के लिए बंदूक तैयार करो। इसलिए अब राम हथियार गृह में जाकर सभी बंदूकों की नलियों को तोड़ देता है ताकि कोई भी गोली ना चला पाए। अब अगले दिन जब भीम को फांसी दी जाती है, लेकिन रास्ते में ही स्कॉट को राम पर शक हो जाता है और वो राम पर गोली चला देता है, जिससे राम घायल हो जाता है। दूसरी तरफ भीम भी इनके चंगुल से निकल जाता है और इन अंग्रेजों की बढ़िया से धुनाई करता है और यहाँ पर भीम मल्ली को लेकर निकल जाता है, लेकिन राम तो घायल था तो अंग्रेजों ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया था। अब भीम और मल्ली को हर गांव में ढूंढा जाता है, इसलिए भीम भी मल्ली को लेकर कहीं दूर निकल जाता है। और इसी बीच भीम की मुलाकात होती है राम की पत्नी सीता से, जो उसे बताती है कि अपने परिवार का बदला लेने के लिए ही राम ने पुलिस को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर पूरी बात जान लेने के बाद भीम राम को वापस लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इन अंग्रेजों ने राम को मार मार कर उसका बुरा हाल कर रखा था, जिससे कि वो चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए भीम उसे अपने कंधों पर बिठाकर लड़ता है और राम के हाथों में होती है बंदूकें, जिससे वो सभी को अपना निशाना बनाता है और दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अब राम को आराम देने के लिए भीम उसे एक राम की मूर्ति के पास बिठा देता है और तब तक भीम अकेले ही इन अंग्रेजों से लड़ता है और कुछ देर के बाद ही राम ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार राम श्री राम के रूप में ही यहाँ पर बाहर आता है, जिसके हाथ में धनुष और बाण भी होते हैं और इन्हीं से वो अंग्रेजों का संहार भी करता है। और फिर बाद में नंबर आता है स्कॉट का, तो यहाँ पर राम भीम से कहता है कि इस गोली की कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसे किसी गरीब पर खर्च नहीं करते, तो अब तुम इस गोली को स्कॉट के ही दिल में उतार दो। फिर क्या था, स्कॉट का खात्मा हो जाता है और इसके बाद ढेर सारे हथियार राम अपने गाँव वालों को बांट देता है और जेनी भी भीम को मिल जाती है। तो इस तरह से ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म के निचोड़ की, तो इस फिल्म में डायलॉग जबरदस्त हैं, इस फिल्म में लोकेशन और लोगों की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया है। अगर आप इस फिल्म का हिंदी डबिंग देखते हैं तो आपको आवाज सुनकर ही मजा आने लगेगा। ये फिल्म आपको सामाजिक संदेश देने के साथ साथ दूसरों के लिए जीना भी सिखाती है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। इस फिल्म में गाने तो इतने खास नहीं है, मगर एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ खास बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको हॉलीवुड की एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो उसके लिए आप जैक द जायंट मूवी को देख सकते हैं, और यदि आपको एनिमल बेस्ड मूवी पसंद है तो उसके लिए आप रैम्पेज मूवी को देख सकते हैं, और इससे भी खतरनाक फिल्म है स्कल आइलैंड, जो कि किंग कॉन्ग मूवी का अगला भाग था। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आपको इसे देखकर एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। और यदि आपको साउथ इंडियन फिल्में पसंद हैं तो उनमें आप ईगल फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक जबरदस्त एक्शन मूवी है। तो दोस्तों ऐसी ही और शानदार फिल्मों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे किसी और शानदार फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।